ठीक है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ। आई एम गोइंग टू ग्रैब अ चेयर। जस्ट 5 पॉइंट्स टुडे, ओनली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन व्हेन यू से मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ? तो बेसिकली यू नो वी हैव, जैसे कि बिल्डिंग में जो हम पहले फ्रेम बनाते हैं बिल्डिंग की, उसके बाद बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही ये जो पूरी बॉडी है वो एक प्रॉपर फ्रेम पे बनी हुई है जिसमें बोन्स होते हैं, राइट? बोन्स को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपके जॉइंट में जैसे होंगे टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट कैप्सूल, तो वो सारा होगा जो आपका एक जॉइंट बनाता है। फिर ये सबको एक जगह रखने का काम कौन करता है? मसल्स करते हैं। या फिर कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो, वो अगर आपके मसल्स काम नहीं कर रहे तो आप वो मूवमेंट कर नहीं पाओगे। और ऊपर और भी सारे चीज़ें होते हैं, टेक्निकल थिंग्स होते हैं, जो मायोफेशिया होता है या फिर आपका कार्टिलेज होता है, तो हम इतने डीप नहीं जाएंगे। वी विल फर्स्ट फोकस ऑन जस्ट 3 थिंग्स, मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। तो पहली चीज़ जो मसल के बारे में अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है कि मसल्स और बोन्स बहुत बहुत ज़रूरी है हमें टू स्टे नॉट जस्ट हेल्दी फिट बट ऑल्सो यंग। और हम हमेशा सुनते हैं ना मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, मेरा मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। तो आपको मेटाबॉलिज्म आपका हाई रखना है, तो इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट यू हैव हाई परसेंटेज ऑफ बोन एंड मसल्स एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, ठीक है? तो ये बोन्स और मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दे कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, ठीक है? तो अभी एक क्वेश्चन हमेशा मुझे लोग पूछते हैं कि अगर मसल्स इतने इंपॉर्टेंट है तो बैठे बैठे क्यों नहीं मसल बनते रहे, या फिर फैट इतना बुरा है तो व्हेन वी जस्ट सिट डाउन तो सिर्फ फैट ही क्यों बनता रहता है? तो इसका एकदम सिंपल रीजन है, इवोल्यूशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। कि आप थोड़ा 2 या 3 जनरेशन सिर्फ पीछे जाइए, आपके मे बी ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड फादर का जनरेशन, एंड यू मस्ट हैव हर्ड दी स्टोरीज। हमेशा बताते रहेंगे आपको कि एक ऐसा पीरियड आता था एवरी ईयर जहाँ पे ग्रेन्स का शॉर्टेज हो जाता था। मतलब जब तक नए ग्रेन्स नहीं आ रहे, जब तक नया प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से नहीं आ रहा है, तब तक का एक पीरियड होता था जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फूड सोर्सेस अवेलेबल होते थे, ठीक है? अभी हम थोड़ी सी स्कार्सिटी अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, बट ये कुछ भी नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी आर स्टिल गेटिंग ग्रोसरी एंड फ्रूट। तो ये हम उनका, दैट इज हाउ देयर लाइफ वॉज, कि फूड बहुत अबंडेंटली अवेलेबल नहीं था। ये स्टोरी मैंने बहुत सुनी है कि पुराने टाइम में हमारे यहाँ पे जो गाय होती थी, तो वो मतलब लिटरली जो सबसे अच्छी मानी जाती थी कि बहुत दूध देती है, तो वो आधा लीटर दूध देती थी या 1 लीटर दूध देती थी। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि 2-3 जनरेशन पीछे तक ह्यूमन बींग्स को इतना ज़्यादा फूड अवेलेबल नहीं था, और ऐसे बहुत सारे पीरियड्स आते थे जहाँ पे स्टार्वेशन होता था। तो नेचुरल रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का ये बना हुआ है कि अगर कोई भी डिफिकल्ट, नेचुरली हम सिर्फ फैट स्टोर करते रहते हैं और एनर्जी स्टोर करते रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कभी भी ऐसा हो सकता है कि फूड अवेलेबल नहीं है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि स्कार्सिटी है, या एक साल अगर शायद नहीं बना, कोई फसल नहीं उगी तो क्या करेंगे? तो नेचुरली योर बॉडी ओनली सेव द एनर्जी। तो नेचुरली क्या होगा कि जो भी हेवी चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपके बॉडी पार्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एनर्जी, जैसे कि मसल्स और बोन, तो वो आपकी बॉडी मिनिमम रखेगी। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही, उससे 1% भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए बैठे बैठे सिर्फ फैट डिपॉजिट होता है और मसल्स कम कम होते चले जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली बॉडी का सर्वाइवल टेक्निक है। अभी अपने बॉडी को पता नहीं है कि अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली स्कार्सिटी फूड की है, लेकिन अभी ये चेंज आने के लिए बहुत जनरेशन जाएंगे। तो एटलीस्ट हमारे जनरेशन या हमारे बच्चों के जनरेशन तक तो ऐसे ही होने वाला है कि अगर बैठोगे तो फैट डिपॉजिट होगा, और अगर काम करोगे तो ही मसल्स आपके चलते रहेंगे। तो सेकेंड चीज़ बोन्स के बारे में, तो इसलिए अगर आप वर्कआउट करोगे तो ही आपके मसल्स रहेंगे, अदरवाइज वो कम 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 होते चले जाएंगे। सेकेंड थिंग बोन्स के बारे में, बोन्स के बारे में इसको वुल्स लॉ बोलते हैं। तो वुल्स लॉ क्या बोलता है कि जितना आप आपके बोन्स पे लोड डालोगे
उतने आपके बोन स्ट्रांग होंगे। उसका मतलब ये है कि अगर इफ आई वॉन्ट माई लेग लेग के जो बोन्स है या थाइस के बोन्स है, अगर मुझे स्ट्रांग चाहिए तो आई विल हैव टू स्टैंड अप एंड पुट लोड ऑन दोज बोन्स। अगर दिन भर में मैं अपने बोन्स पे कुछ भी लोड नहीं डालती हूँ तो वो वीक वीक और वीक होते चले जाएंगे, मतलब ज्यादा ज्यादा पोरस होते चलेंगे, जिसको बोलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। थर्ड थिंग जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में एक ही चीज मैं आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ कि कोई भी आपका मशीन हो, जो छोटा सा भी मशीन है, वो हमेशा छोटा सा भी उसमें प्रॉब्लम आता है ना, तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम उस मशीन को पहले स्टॉप करें और उसको रिपेयर करा के लाए, कोई भी छोटा सा मशीन हो। लेकिन हम सेम चीज अपने बॉडी के बारे में नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, अगर हमको जॉइंट में पेन भी हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, वी जस्ट इग्नोर इट, सिंपली इग्नोर इट एंड कंटिन्यू डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। तो एक ही क्वेश्चन है मेरा आपके पास कि आपका जो छोटा सा मशीन है, जैसे आपका पंखा भी खराब हो रहा है तो आप उसको इमिडिएटली बंद करोगे और रिपेयर करा के लाओगे, और अगर खराब हो भी जाता है पंखा तो आपको पता है कि इसके स्पेयर पार्ट कहीं पे तो मिलते हैं, या मैं पूरा का पूरा पंखा भी रिप्लेस कर सकता हूँ। आपके पास आपके बॉडी के स्पेयर पार्ट कहीं रखे हैं क्या? जैसे कि एक एक्स्ट्रा हाथ कहीं पे रखा है कि ये वाला शोल्डर का जॉइंट खराब हो गया तो मैंने आके रिप्लेस कर दिया, तो फिर आप ऐसे अपने बॉडी को क्यों हार्म कर रहे हैं? तो हमेशा याद रखिए कि एक ही चीज आप आज के सेशन के बाद डिसाइड करेंगे पक्के से कि नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माय जॉइंट, ठीक है? क्योंकि अभी तो हमारी मतलब हम बहुत सालों तक जीते हैं, 80-90 हैज बिकम वेरी कॉमन, तो तब तक हम सिर्फ आज के बारे में मत सोचिए, आपको 80-90-100 साल तक आपकी बॉडी आपके जॉइंट्स चाहिए, तो उस हिसाब से आप उनको मेंटेन कीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ कार्डियो 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 क्यों नहीं करना है, क्योंकि कार्डियो कार्डियो एक्सरसाइज जो सिर्फ लोग रनिंग रनिंग मैराथन रनिंग मैराथन रनिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक्स्ट्रा अपने बॉडी पे और अपने जॉइंट्स पे डिमांड प्लेस कर रहे हैं, लेकिन मसल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं सोच रहे। तो जब मसल वीक होता है तो आपके जॉइंट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो कि उसका काम नहीं है। जॉइंट्स का मेन काम है कि फोर्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन मसल टू अदर मसल, एंड जॉइंट का ऑल्सो काम ये होता है कि आपके बॉडी को टुगेदर रखना, साथ में रखना। आपके बॉडी का ये एक्चुअली काम नहीं है कि आपके जॉइंट्स का ये काम नहीं कि वो लोड उठाए। लोड उठाने के लिए मसल्स है, तो मसल्स होने चाहिए, मसल्स के स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग ऑन ट्रेडमिल, मेक श्योर दैट ऑन अल्टरनेट डेज यू आर ऑल्सो डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड यू आर मेकिंग यूर मसल स्ट्रॉन्गर। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब विमेन या लेडीज के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है और हमेशा आता है, और ये सबसे बड़ा मिथ है जो बहुत लोग प्रोपोगेट भी करते हैं कि अगर आप वेट उठाओगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे कोई भी टाइप का, तो यू विल बिकम लाइक अ मैन, मतलब ऐसे आपके मसल्स ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि दैट इज हाउ वी सी ना, हम वी सी फ्यू मॉडल्स या जो भी ऐसे होते हैं बॉडी बिल्डर्स, हम देखते हैं कि उनके इवन लाइक लड़कियों के मसल्स दे आर लाइक लुकिंग लाइक मैन। तो ये जानिए कि बेसिकली मसल ग्रोथ मेन में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो विमेन में नहीं होती है। तो नेचुरली नो इवन आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अ गर्ल और अ वुमेन कैनॉट पुट ऑन सो मेनी मसल्स। तो ये जो आप बॉडी बिल्डर्स के फोटोज देखते हैं, वो स्टीरोइड यूज होता है, वो एक्स्ट्रा एक्सटर्नली ये स्टीरोइड कंज्यूम करती है लड़कियां, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ऐसी दिखना स्टार्ट होती है। तो नेचुरली अगर आप सिर्फ नेचुरल खाना खा रहे हो और नेचुरल तरीके से वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे कुछ भी ऐसे वेट ट्रेनिंग से आप सडनली मस्क्यूलर या मैनली हो जाते हो, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और हाँ, समटाइम्स यू सी एथलीट्स के हो सकते हैं कि आप देख रहे हो कि सानिया मिर्जा है, उसके आर्म्स बहुत ही वेल बिल्ट है, या फिर मेरे भी आप मसल्स देखोगे अगर है तो, या फिर मेरे थाइज ग्लूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई वॉज अ कबड्डी प्लेयर। तो कबड्डी प्लेयर, सो डिपेंडिंग अपॉन विच स्पोर्ट यू आर प्लेइंग देर विल बी सर्टन मसल्स विच विल बी वेल डेवलप, जैसे कि फास्ट बॉलर्स के लैट्स विंग वाले मसल्स और ग्लूट्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनको वो मसल्स यूज करके उतनी ज्यादा स्पीड और उतनी ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ती है। तो एथलीट्स में ऐसे स्पेसिफिक आपको ग्रोथ मिलेगी स्पेसिफिक, बट वो ग्रोथ या उतनी स्ट्रेंथ या उतनी पावर लाने के लिए वो बहुत सालों तक बहुत मतलब पूरे
पूरे दिन में 5 5 6 6 7 7 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं. तो जस्ट बाय डूइंग लाइक हाफ एन आवर 1 आवर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन, विमेन डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू बल्क अप और यू आर नॉट गोइंग टू लुक लाइक मेन. ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप टूडे सेशन. आई विल सी यू टुमारो एट 10. टुमारो आई एम गोइंग टू टीच यू सूर्य नमस्कार बिकॉज दैट इज रिक्वेस्टेड द मोस्ट and it is a beautiful exercise if you don't have access to anything else. So let's talk about that tomorrow. I will see you then. Bye bye.